ट्रक के केस में फिर बोली दिव्या खोसला। सोशल मीडिया पर शेयर किया लंबा चौड़ा पोस्ट, कहा पीड़िता के माँ बाप की बैठी जांच। आखिर क्या कहा दिव्या ने, चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में। पर्ल वी पुरी के लिए लगातार आवाज उठा रही दिव्या ने फिर से सोशल मीडिया पर पीड़ित के पेरेंट्स पर सवाल उठाए हैं। दिव्या ने पर्ल की फैमिली में चल रही परेशानियों का जिक्र करते हुए उनकी जमानत की मांग भी की थी, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अलावा एक दूसरे पोस्ट में दिव्या ने पीड़ित के पेरेंट्स की नियत पर सवाल उठाए हैं और वहीं कहा कि इतने सहज ढंग से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स। उन्होंने लिखा, यदि किसी 5 साल की बच्ची का रेप होता है तो क्या उनके पेरेंट्स उसे नज़रअंदाज कर कस्टडी के लिए लड़ते रहेंगे। पिता ने 2019 में शिकायत की थी, तब उन्होंने मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। बच्ची की कस्टडी मिलने की बात से वो चुप क्यों रहा। अब 2 साल बाद जब उसकी मां निचली अदालत से कस्टडी का केस लगभग जीतने वाली ही है तो वो केस के बारे में क्यों बोल रहा है। माँ अपनी बातचीत में इतनी सहज क्यों लग रही है। कोई भी माँ जिसकी बेटी पर ये सब गुजरा हो वो सारी परेशानियों को किनारे रख कर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने सामने नहीं आएगी और इसके उलट पर पर्ल के साथ शूटिंग करती रहे। इन दोनों से हम सच जानना चाहते हैं, तुम्हें एहसास है कि तुम एक मासूम की जिंदगी से खेल रहे हो और उसे गैर जमानती अपराध में जेल हो रही है। आप खुद को पीड़ित कहते हैं, लेकिन क्या अगर आप ही इस केस के असली अपराधी हुए तो पर्ल को पीड़ित कौन मानेगा। हम पीड़ित के माँ बाप पर जांच करवाना चाहते हैं। आखिरकार कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वेल दिव्या हैं जो पूरी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं पर्ल को। खैर, आप दिव्या की बातों से कितने हैं सहमत, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।